अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बिनते मारूफ में मैं आपको वेलकम करती हूँ। वीडियो काफ़ी दिन बाद अपलोड करने की कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर सकी। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन पोटैटो कटलेट्स, जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने लिए हैं 5 से 6 उबले आलू। चिकन लिया मैंने, उसके अंदर मैंने पहले से नमक और काली मिर्च डाल के इसको बॉईल कर लिया था और उसको मैंने रेशे कर लिए। एक मीडियम प्याज मैंने लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ में इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ, हरा धनिया भी मैंने धोकर और उसको चॉप कर लिया। इसके साथ हम कुछ इसमें बेसिक मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप ब्रेड क्रम्स। आप इसकी जगह डबल रोटी को लेकर आप उसको भी पानी में जो है वो सोक करके और बीच में डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, ये मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून। भुना कुटा जीरा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। और भुना कुटा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। साथ में इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाली हैं चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। और अब इन सारे मसालों को जो है मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैंने एक अंडा लिया है, अंडे को मैं फेंट लूँगी। अंडे को आप हमेशा जब भी लें पहले आप इसको पानी में डालकर चेक कर लें कि अंडा ख़राब तो नहीं है। अब इसके बाद हम इसके बनाएंगे कबाब। आप किसी भी शेप के कबाब बना सकते हैं, मैं नॉर्मल साइज़ के और नॉर्मल जो शेप होती है राउंड में उसी में बना रही हूँ। इन कबाब को आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। सब कबाब को मैं बनाकर तैयार कर लूंगी। अगर आप इसमें चिकन ना डालना चाहें तो आप इसके अंदर मिक्स वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, उससे भी इनका जायका बहुत ही मज़े का आता है। अब एक फ्राइंग पैन मैंने लिया है, इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। अब मैं कबाब को अंडे के अंदर कोट करूंगी। कोट करने के बाद हम इसको शेलो फ्राई कर लेंगे। अगर अंडा ना हो तो आप इसकी जगह बेसन लेकर उसके अंदर नमक और लाल मिर्च डाल के उसकी स्लरी बना के आप उसके अंदर भी इनको कोट करके फ्राई कर सकते हैं। जैसे ही एक साइड पे कलर आ जाएगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने पर हम इन कबाब को निकाल लेंगे और इसी तरह हम अपने सारे कबाब फ्राई कर लेंगे। चिकन पोटैटो कटलेट्स हमारे बनके तैयार हैं। आप इसको केचप, चटनी या किसी भी सॉस के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट लाजमी किया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।